दोस्तों आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से नीट के 2019 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल लगभग 2-3 क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं और सेम टाइप के आते हैं। ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है द वर्कडन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन का आपको बताना है जब वो 25 डिग्री सेल्सियस पर 20 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर पर जाता है, और आपको दिया हुआ है 2 कैलोरी पर केल्विन मोल। तो अब आपको ये दिया है, तो दोस्तों आप वर्कडन कैसे निकालते हैं। वर्कडन आइसोथर्मल में आप निकालते हैं 2.303 आरटी लॉग बेस 10 P1/P2 या फिर लॉग बेस 10 V2/V1। तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और वरना आप ये भी देख सकते हैं कि अगर एक्सपांसन टर्म दिया है, यानी कि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तब वर्कडन बाय द सिस्टम आपका केमिस्ट्री में नेगेटिव होता है, तो आपको सिर्फ नेगेटिव वाला देख लेना है, आपका जीरो नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आप सिर्फ नेगेटिव साइन देख के ही आराम से कर सकते थे। अब ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन है, आपको बताना है बी सी पाथ में क्या आपका वर्कडन हुआ है। तो बी सी में क्या हुआ है दोस्तों, वर्कडन आप कैसे निकालते हैं। वर्कडन आप पी डेल्टा वी से निकालते हैं। तो अगर किसी भी प्रोसेस में अगर डेल्टा वी आपका जीरो है, यहाँ पर आप देखें तो वॉल्यूम 400 cm³ ही है, आपका कांस्टेंट है, तो इसलिए वर्क क्या है, जीरो है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्कडन आपका होता है पी डेल्टा वी, और किसी भी प्रोसेस में डेल्टा वी जीरो तो वर्क जीरो। इसके बाद ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन है, इंथाल्पी ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया हुआ है -390 kJ/mol। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 35 g ऑफ CO2 इज फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड डाइऑक्सीजन गैस। तो इसको आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, 2024 का ये क्वेश्चन है। तो आप दोस्तों इसको यहाँ पर देखें, तो अगर मैं 1 mole की बात करूँ, अगर 44 g कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास आपका 44 होता है, तो उसके लिए आपका 390 kJ लग रहे हैं। तो 1 g के लिए कितने लगेंगे, 390/44 लगेंगे, और 35 g के लिए आप 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब आप इसको दोस्तों आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 44 का मैं 45 मान लूँ क्योंकि ऑप्शंस आपके दूर हैं, तो 7/9 × 390, तो ये आपका 310 kJ आपका आ जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी इसी साल का क्वेश्चन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या आपका सही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है डेल्टा एच रिएक्शन आपका पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच रिएक्शन दोस्तों आपका पॉजिटिव होता है, और आपका जो हीट होता है वो भी आपका पॉजिटिव होता है। तो इसका बी और डी जो है, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका एंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा एच आपको दिया है 15 kJ, आपको इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है। तो ऐसा आपको दिया हो तब आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। डेल्टा एच आपका होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स में जो चेंज होता है वो होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो रिएक्टेंट में आपके 2 आपके गैसियस मोल्स हैं, और प्रोडक्ट में 1 और 3 आपके 4 गैसियस आपके मोल्स हैं। तो 2 - 4 हुई, तो ये आपका -2 आ गया। तो यहाँ पर -2 आएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा एच प्लस 2 RT आपका आएगा, और डेल्टा एच में कुछ जुड़ेगा तो ये आपका जो ओरिजिनल डेल्टा एच है उससे ज़्यादा ही आएगा, यानी कि 15 kJ से ज़्यादा ही आएगा। तो ये ए ऑप्शन ही सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि बाकी तो आपके ए से ही कम है। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस दोस्तों जब होता है, जब आपका कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हम कोई प्रोसेस करवाते हैं। तो ए का आपका 2 हो जाएगा, ए का 2 आपका हो जाएगा, तो सी ऑप्शन वैसे ही आपका करेक्ट हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, आइसोबारिक आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज यानी कि डेल्टा क्यू जीरो होता है, वर्कडन आपका आपके डायरेक्ट आपके डेल्टा यू के बराबर हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपको दिया हुआ है, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट आपका जीरो होता है। तो ए का 3 हो गया, तो सी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। रिवर्सिबल में क्या होता है, रिवर्सिबल में दोस्तों बोथ वे चलता है, जो आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है दोनों बंदे रहते हैं, तो ये दोनों साइड चलता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस के आपके इंडिपेंडेंट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ
गैस कांस्टेंट की, तो ये आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के इंडिपेंडेंट है। और ऐसी बहुत सारी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आपकी होती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स वगैरह वगैरह। इस नहीं, नंबर ऑफ मोल आपका एक्सटेंसिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जो जो कि आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे आपकी डिपेंड करती हैं। तो इसका डी का आपका 4 हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि डेल्टा जी वगैरह, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कि आप करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, वर्क डन इन एक्सपांशन एंड हीट एब्जॉर्ब और रेज व्हेन 5 liters एंड ऑफ एन आइडियल गैस एट 10 atmospheric प्रेशर आइसोथर्मली एक्सपांड्स इनटू अ वैक्यूम अंटिल द वॉल्यूम इज 15 liters। तो वैक्यूम में दोस्तों आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि वर्क डन होता है पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और वैक्यूम में आपका पी एक्सटर्नल 0 हो जाता है, तो वर्क डन भी आपका 0 हो जाता है, वर्क डन भी आपका 0 हो जाता है। आइसोथर्मल की बात अगर मैं करूँ तो जो आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो आपका MCV डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पर आपका आइसोथर्मल है, डेल्टा टी 0 है, तो डेल्टा यू भी आपका 0 हो जाएगा। और क्यू क्या होता है, वर्क डन माइनस डेल्टा यू, अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो वो भी आपका 0 हो जाएगा। तो सब 0 हो जाता है जब हम वैक्यूम में बात करते हैं, तो आपका सब 0 हो जाएगा। हीट और वर्क डन दोनों, ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका वर्क डन और हीट दोनों आपके 0 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपको दिया हुआ है 2023 का ये क्वेश्चन है। डेल्टा एच रिएक्शन आपको दिया हुआ है, 1 mole ऑफ वाटर के लिए आपको बताना है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो आपका 1 mole का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो ये एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद आपको 2 mole के लिए इतना दिया है, तो 1 mole के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 241.82 ये आपका आ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 2022 का क्वेश्चन है। आपको बताना है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन कौन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको दोस्तों पीवी ग्राफ दिया हो तो जो आपका एरिया होता है, एरिया अंडर जो आपका कर्व होता है, वही आपका दोस्तों वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसमें है, इसमें सिर्फ इतना एरिया है, इसमें सिर्फ इतना एरिया है, इसमें दोस्तों इतना सारा एरिया है, तो सी जो है उसका सबसे ज़्यादा एरिया है, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, ये दिया है 2022 का है, द वर्क डन व्हेन 1 mole ऑफ गैस एक्सपांड्स रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 5 atm टू 1 atm एट 300 kelvin। आपको ये दिया हुआ है, आपको यहाँ पर फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्क डन आइसोथर्मल आप जानते हैं क्या, वर्क डन आइसोथर्मल होता है आपका 2.303 RT log base 10, ये होता है V2/V1 या फिर P1/T2, जहाँ पर आप माइनस भी लगा सकते हैं। तो जब आपका एक्सपांशन होता है तब वर्क डन नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय सिस्टम केमिस्ट्री में नेगेटिव होता है, 0 नहीं होगा, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 kelvin, ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। एट 300 kelvin इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 liter टू 10 liter, तो आपको डेल्टा यू बताना है। तो आपको यहाँ पर कहीं नहीं देखना है, डेल्टा यू होता है MCV डेल्टा टी, डेल्टा टी जो आपका डेल्टा यू होता है आपका MCV डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी यहाँ पर 0 है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, मतलब जो आपका जो इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा वो भी आपका 0 हो जाएगा। तो आइसोथर्मल कहीं भी दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वो आपका डेल्टा यू 0 की बात कर रहा है। इसके बाद आपको CP और CV दिया है, इसके बाद आपको यहाँ पे CP और CV दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है CP - CV इज इक्वल टू R होता है, ये आपका मेयर्स रिलेशन है। लेकिन अगर आपको छोटा वाला आपको सी आपको दे दे तो वो दोस्तों आपका NR हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको 2020 का आपका ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या सही है। आइसोथर्मल एक्सपांशन में दोस्तों आपका डेल्टा यू तो 0 होगा, क्योंकि डेल्टा टी 0 है, डेल्टा एस टोटल आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको ये दिया हुआ है, इसका आपको कैसे दिया है, आपको डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन आपका क्या होता है, ये आपका होता है -LNKC या फिर -2.303 RT log base 10 KC, तो ये आपका होगा। तो आपको यही आपको फॉर्मेट दिख जाएगा, -8.314 ये आपका R हो गया, ये आपका टी हो गया, लॉग बेस 10 यहाँ पर 4 × 10⁻³ है, यहाँ पर होगा 2 × 10⁻³, क्योंकि ये क्या है आपका 2 × 10⁻³ आपको दिया हुआ है KC। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपको दिया है 2
Cl से Cl2 गया, तो आपको सही ऑप्शन बताना है। ये आपका 2020 का क्वेश्चन है। तो आज तो ऐसे वाले रिएक्शन बहुत फेमस है दोस्तों, ये जो अब दो एच से एच टू बने, दो सी एल से सी एल टू बने, तो ऐसे में क्या होता है आपकी रैंडमनेस डिक्रीज करती है, तो डेल्टा एस रिएक्शन जो है ग्रेटर देन जीरो आपका हो जाता है। और क्या होता है, सी एल टू ज़्यादा स्टेबल है, दो आपके सी एल एटम से, तो यहाँ पर डेल्टा एच कम होगा, यानी कि डेल्टा एच लेस देन जीरो होगा और डेल्टा एस जो है आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत बार आते रहते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद है आपको बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच बी आर निकालना है इसमें। तो यहाँ पे आप बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच बी आर निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पूरा रिएक्शन का दिया हुआ है -109 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, एच एच बॉन्ड को जोड़ेंगे, यहाँ पर आप एच एच बॉन्ड को जोड़ेंगे प्लस बी आर बॉन्ड को जोड़ेंगे, उससे -2 एच बी आर से आप माइनस करेंगे, तो यहाँ से आपका बहुत आसानी से 368 आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप याद भी कर सकते हैं, बहुत बार यही आपका आते रहता है। इसके बाद ये भी आपका 2020 का क्वेश्चन है, आइसोथर्मल एक्सपांसन आपको दिख गया और आपको दिया हुआ है एक्सपांड कर रहा है 0.1 से 0.25 लीटर, तो वर्क डन बाय गैस क्या है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, वर्क डन बाय गैस आइसोथर्मल में कभी निकालने आपको पड़ जाए तो आपको ध्यान रखना है -2.0303 आर टी लॉग बेस 10 V2/V1 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्सपांड कर रहा है और एक ही ऑप्शन में नेगेटिव वर्क है, जिसका ये आपका बी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका डिक्रीज इन एंट्रॉपी किसमें दिख रहा है, डिक्रीज इन एंट्रॉपी 2019 का क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2H से H2 में आपका डिक्रीज इन एंट्रॉपी होता है, 2Br से Br2 बने, 2H से H2 बने, इसमें भी आपका डिक्रीज इन एंट्रॉपी होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इवापोरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, H2O जो आपका लिक्विड है वो H2O वेपर बनेगा, तो वहाँ पर वो वेपर ज़्यादा रैंडम होंगे तो वो एंट्रोपी आपकी बढ़ेगी, यहाँ पर डेल्टा एस आपकी बढ़ेगी, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। एक्सपांसन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में आप देखें तो यहाँ पर भी दोस्तों डेल्टा एस जो है यहाँ पर डेल्टा टी ही जीरो है। इसके बाद सबमिशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस जाएगा तब भी आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है ये आपको दोस्तों 2019 का क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। इसके बाद डेल्टा एस आइसोथर्मल, डेल्टा एस एडियाबैटिक, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, आइसोथर्मल का आपका एडियाबैटिक से ज़्यादा होता है ये आपका, तो आपको ये जो है ध्यान रखना है, आप इस क्वेश्चन से ये सीख सकते हैं। इसके बाद टी ए टी बी के बराबर है, हाँ, क्योंकि ए से बी ये क्या है आपका आइसोथर्मल है, ये आपका आइसोथर्मल है और आप जानते हैं आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम रहता है। इसके बाद आइसोथर्मल का वर्क एडियाबैटिक से ज़्यादा होता है, सही बात है, आपका आइसोथर्मल का वर्क आपका एडियाबैटिक से ज़्यादा होता है। टी सी ग्रेटर देन टी ए, ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आपका टी ए है वो ज़्यादा बड़ा होगा टी सी से। इसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डेली एमसीक्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर हम डेली बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।